नमस्कार पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा, देखिए। बिल्कुल सही कहा नरेंद्र मोदी जी ने, शायद वो ओम प्रकाश राजभर को बगल में बैठा हुआ देख रहे थे, या चिराग पासवान को बगल में बैठा हुआ देख रहे थे, या अकाली दल वालों को बगल में बैठा हुआ देख रहे थे, अजीत पवार को, संजय निषाद साहब को, इन सब वंशवादियों को देख करके, और जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ में भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को लिए हुए है, प्रधानमंत्री शायद उन्हीं को संबोधित कर रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी के अलावा बताएं इनके पास अगर और कोई दूल्हा हो तो हमारा तो हर दल में दूल्हे हैं, लेकिन इनके दल में क्या मोदी जी के अलावा किरीट सोमैया दूल्हे होंगे? ये जरा सा केशव मौर्य को बताना चाहिए। मौर्य जी आपको अंधकार में ही दिखाई देना चाहिए, लेकिन देश को प्रकाशमान दिखाई दे रहा है। पूरे देश में इंडिया जीतेगा, भारत जुड़ेगा, ये बात बहुत स्पष्ट आप समझ लीजिए। आने वाला समय देश की जनता का है। आप लोगों ने देश की जनता को जो हताश किया है, निराश किया है, भरमाया है, आज जनता के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना है। देश भी जुड़ेगा, भारत भी जुड़ेगा और देश भी जीतेगा। देखिए सच बात है, 38 थे, दो और जुड़ जाते तो वास्तव में वो कहानी सच हो जाती, क्योंकि ये स्वार्थ का गठबंधन है इन लोगों का, एनडीए का। ऐसे ऐसे लोग जो नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को पानी पी पी करके बिलो द बेल्ट गालियां दिए हैं, वो सारे आज की डेट में उनकी बगल में बैठे हैं, वो वंशवादी लोग बगल में बैठे हैं। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कई फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।